बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आप हमने आपके साथ लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था हाउ लॉज आर मेड इन पाकिस्तान, उसमें हमने ऑर्डिनेंस को डिस्कस कर लिया था। आज के हम इस लेक्चर में आपके साथ लेजिस्लेटिव प्रोसीजर जो कि ट्रेडिशनल है, जो कि असेंबलीज से पास होते हैं लॉज, वो डिस्कस करेंगे कि कैसे पास होते हैं और उनके प्रोसीजर्स क्या हैं। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन पाकिस्तान। अब लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन पाकिस्तान, लेजिस्लेटिव लॉज कहाँ बनते हैं, लॉज कौन से धारा में बनते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, लेजिस्लेटिव असेंबलीज। अब लेजिस्लेटिव असेंबलीज कौन सी है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो है वो कितनी है पाकिस्तान में, आपको बताता चले कि जो कि पाकिस्तान में लॉज बनते हैं, लेजिस्लेशन होती है, वो कौन सी होती है, बाय कैमरल लेजिस्लेशन। हम किसको कहते हैं बाय कैमरल लेजिस्लेशन, हम उसको कहते हैं जो कि दो हाउसेस पे मुश्तमिल हो, कंसिस्ट ऑफ टू हाउसेस। और यूनिकैमरल लेजिस्लेशन हम किसको कहते हैं, जो कंसिस्ट ऑफ वन हाउस हो, कंसिस्ट ऑफ टू हाउसेस। अब वो टू हाउसेस पाकिस्तान में कौन कौन से, नेशनल असेंबली, और सेनेट ऑफ पाकिस्तान। पहला होगा नेशनल असेंबली, दूसरा कौन सा होगा, सेनेट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, अब नेशनल असेंबली को हम क्या कहते हैं, नेशनल असेंबली को कहते हैं लोअर हाउस। सेनेट ऑफ पाकिस्तान को क्या कहते हैं, सेनेट ऑफ पाकिस्तान को कहते हैं अपर हाउस। सेनेट ऑफ पाकिस्तान को अपर हाउस कहते हैं। नेशनल असेंबली कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी सीट्स, नेशनल असेंबली कंसिस्ट ऑफ 342 सीट्स। अपर हाउस, सेनेट ऑफ पाकिस्तान में कितनी सीट्स होती है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान में 102, 102 सीट्स होती हैं। नेशनल असेंबली में 342 सीट्स होती हैं, सेनेट ऑफ पाकिस्तान में 102, 102 सीट्स होती हैं। नेशनल असेंबली में कौन बैठते हैं, जो कि हमारे इलेक्टेड नुमाइंदे होते हैं। इलेक्टेड नुमाइंदे हमारे कौन से होते हैं, एमएनएस। जनरल इलेक्शंस में हम अपने मेंबर ऑफ नेशनल असेंबलीज हर एक एनए की सीट से हम अपना नुमाइंदा इलेक्ट करते हैं, वो कहाँ बैठते हैं, नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान लोअर हाउस में। नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान का क्या काम है, लॉज बनाना, कानून बनाना, क्योंकि ये लेजिस्लेटिव असेंबली का एक हिस्सा है। हमारे पाकिस्तान में कौन सा लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है, बाइकैमरल लेजिस्लेशन। बाइकैमरल लेजिस्लेशन मतलब कंसिस्ट ऑफ टू हाउसेस। जो हमारे पाकिस्तान में दो हाउसेस है वो कौन से, नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान, सेनेट ऑफ पाकिस्तान। नेशनल असेंबली में जो नुमाइंदे हमारे इलेक्टेड बैठते हैं वो हम सिलेक्ट करते हैं जनरल इलेक्शन में। अब सवाल ये है कि जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान में नुमाइंदे बैठते हैं वो कौन सिलेक्ट करता है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान में जो नुमाइंदे बैठते हैं वो सिलेक्ट करता है हमारी नेशनल असेंबली के नुमाइंदे और हमारे प्रोविंशियल असेंबलीज के नुमाइंदे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इनका जो काम है सेनेट ऑफ पाकिस्तान और नेशनल असेंबली का, लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, इसीलिए इनका काम क्या हुआ, लॉज बनाना। जो ये लॉज बनाते हैं वो कैसे बनते हैं, चलिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसको इरेज करेंगे, अब हम डिस्कस करते हैं कि बिल को एक्ट, लॉ या स्टैट्यूट
कैसे कन्वर्ट हो जाता है, जो हमारे नुमाइंदे होते हैं वो कैसे लॉज बनाते हैं, लॉज किस किस्म के होते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बिल। हमारे पास दो असेंबलीज हैं, एक नेशनल असेंबली है, दूसरा सेनेट ऑफ पाकिस्तान। हमारे पास टू हाउसेज हैं, कौन से, नेशनल असेंबली सेनेट ऑफ पाकिस्तान, सेनेट ऑफ पाकिस्तान। अब जो बिल होता है वो शुरू कहां से होता है, वो सबसे पहले कौन से हाउस में इंट्रोड्यूस किया जाता है। जो बिल होता है वो हम नेशनल असेंबली से भी इनिशिएट कर सकते हैं, सेनेट ऑफ पाकिस्तान से इनिशिएट करते हैं, एक्सेप्ट मनी बिल्स, एक्सेप्ट फाइनेंशियल बिल्स। बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड आइदर इन वन हाउस, दोनों में से किसी भी हाउस से इनिशिएट हो सकता है। अब बिल के कौन से किस्म होते हैं, लॉज के कौन से काइंड्स होते हैं जो असेंबलीज में पेश होते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ बिल, एक होता है गवर्नमेंटल बिल्स, दूसरा होता है प्राइवेट मेंबर बिल्स, तीसरा होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बिल्स, उसको हम बिल नहीं करेंगे, अमेंडमेंट्स, और लास्ट में होता है फाइनेंशियल बिल्स। अब टाइप्स ऑफ बिल में कौन से आ जाएंगे, गवर्नमेंटल बिल्स, प्राइवेट मेंबर बिल्स, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स और फाइनेंशियल बिल्स। अब इनमें क्या डिफरेंस है, हम डिस्कस करते हैं गवर्नमेंटल बिल्स कौन से हैं। गवर्नमेंटल बिल्स वो होते हैं जो कि प्रेजेंटेड बाय कैबिनेट मेंबर, जो भी बिल नेशनल असेंबली या सेनेट ऑफ पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस होगा, अगर वो कैबिनेट मेंबर ने इंट्रोड्यूस किया है तो हम उसको क्या कहेंगे, गवर्नमेंट मेंबर बिल, ठीक है, गवर्नमेंटल बिल्स, ठीक है। और प्राइवेट मेंबर बिल्स कौन से होते हैं, प्राइवेट मेंबर बिल्स वो होते हैं कैबिनेट के अलावा जो नुमाइंदे हमारे हाउस में बैठे हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठे हैं, हम उनको प्राइवेट मेंबर्स बिल कहते हैं। अदर देन कैबिनेट मेंबर्स उसको हम प्राइवेट। कॉन्स्टिट्यूशनल बिल किसको कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बिल हम उसको कहते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 में कोई भी अगर हमें चेंजिंग करनी चाहिए तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हम उसको कहते हैं। अगर हमें एक फुल स्टॉप भी इधर से उधर करना है, एक कॉमो और एक स्पेलिंग मिस्टेक भी अगर हमें करेक्ट करनी है तो उसके लिए हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हमें मेजॉरिटी चाहिए होती है, मेजॉरिटी टू थर्ड मेजॉरिटी। जो गवर्नमेंट मेंबर बिल्स होते हैं वो सिंपल मेजॉरिटी से पास हो सकते हैं, प्राइवेट मेंबर बिल्स सिंपल मेजॉरिटी से पास होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट्स होंगे वो टू थर्ड मेजॉरिटी से पास होंगे। टू थर्ड मेजॉरिटी कैसे और सिंपल मेजॉरिटी कैसे, सपोज करें सेनेट ऑफ पाकिस्तान में 102 मेंबर है, 102 मेंबर में से अगर 52 मेंबर्स एक बिल को पास करते हैं तो वो क्या हो गई, सिंपल मेजॉरिटी हो गई। अगर
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गई तो 102 मेंबर्स में से कम 77 मेंबर्स को उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की चेंजिंग में साइन करनी पड़ेगी, उसको हम कहेंगे 2/3 मेजॉरिटी। आखिर में आ जाता है फाइनेंशियल बिल्स। फाइनेंशियल बिल्स bills can only be introduced in National Assembly. Financial bills जो होंगे वो सिर्फ और सिर्फ National Assembly से initiate होंगे, National Assembly में introduce होंगे। नेशनल असेंबली में इंट्रोड्यूस होने के बाद कॉपी ऑफ फाइनेंशियल बिल सेनेट में भेजी जाती है ताकि उसमें कोई चेंजिंग करनी पड़ती है तो वो सेनेट उनको चेंजिंग करके वापस भेज देती है, फिर वो पास फिर भी नेशनल असेंबली से ही होता है। फाइनेंशियल बिल सिर्फ और सिर्फ नेशनल असेंबली से कंसर्न्ड है। सेनेट ऑफ पाकिस्तान में कॉपी दी जाती है, अगर उसमें कोई चेंजिंग होती है तो ही सेनेट ऑफ पाकिस्तान उसमें उसका रोल सिर्फ यही है, बाकी कोई रोल सेनेट ऑफ पाकिस्तान का फाइनेंशियल बिल में नहीं है। और फाइनेंशियल बिल जो है वो भी सिंपल मेजॉरिटी से पास किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बिल पेश करने का क्या तरीका है, उसके कौन से स्टेजेस हैं, वे क्या है, कैसे पेश होता है, आगे हम ये डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड आइदर इन वन हाउस एक्सेप्ट मनी बिल्स, ठीक है। बिल पेश जब हो जाता है तो उसमें सबसे पहले फर्स्ट रीडिंग होती है, उसको हम क्या कहेंगे, फर्स्ट रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है, फर्स्ट रीडिंग में यह होता है copies of bill presented to secretary of house। first reading में क्या होता है, first reading में उस bill की copies जो है 3 copies secretary of house के जो secretary होंगे उनके सामने पेश की जाती है, फिर वो कॉपी जो है डिस्ट्रीब्यूट होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल मेंबर्स ऑफ हाउस। वो कॉपीज हाउस के सब मेंबर्स को पेश की जाती है, ठीक है। फिर वो इस्लामिक काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी को भेजी जाती है। काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी को क्यों भेजी जाती है कॉपी उस बिल की, क्योंकि काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी का जो काम है वो ये है कि जो ये बिल असेंबली में पेश हुआ है वो रिपग्नेंट टू इस्लाम तो नहीं है, इस्लाम के किसी तौर तरीके या कानून के खिलाफ तो नहीं है, रिपग्नेंट टू इस्लाम। टू इस्लाम ये इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल का काम है, ठीक है। फिर उस बिल की रीडिंग हो जाती है, सारे मेंबर्स उसको रीड करते हैं, अगर कोई अमेंडमेंट वगैरह है तो वो मेंबर्स नोट कर लेते हैं, या इस्लामिक आइडियोलॉजी जो काउंसिल है वो अगर समझती है कि ये इस्लाम के इन इन प्रिंसिपल के खिलाफ हो फिर वो उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग कर अमेंडमेंट कर वापस जो है आगे की तरफ फॉरवर्ड कर देती है। फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट हो गई, अब आते हैं हम सेकंड रीडिंग की तरफ। सेकंड रीडिंग में क्या होता है,
सेकंड रीडिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। सेकंड रीडिंग में क्या होता है, डिबेट होता है। सेकंड रीडिंग में एक तो डिबेट होता है, दूसरी अगर कोई चेंजिंग होती है तो इस बिल में इस स्टेज पर हर एक मेंबर जो भी अगर चेंजिंग होनी चाहिए वो अपनी प्रपोज करता है, अमेंडमेंट वो चेंजिंग हो जाती है उसमें, ठीक है। डिबेट का क्या मतलब है, अक्सर हम न्यूज पे जब नेशनल असेंबली या सीनेट ऑफ पाकिस्तान का इजलास होता है तो मेंबर्स को हमने आपस में लड़ते हुए देखा है, या उस बिल पर कोई अगर उनका नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है तो वो सुनाते हुए अपोजिशन को देखा है, अपोजिशन उसकी बिल जो होती है वो सुनते हुए देखा है, जो फेवर होता है वो सुनते हुए देखा है, उसको हम डिबेट कहेंगे। जो मेंबर्स आपस में डिस्कस करते हैं उस बिल पर उसको हम डिबेट करते हैं, और अगर कोई अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो वो भी सेकंड रीडिंग में हो जाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थर्ड रीडिंग। सेकंड रीडिंग में जब डिबेट और अमेंडमेंट्स हो जाती है तो थर्ड रीडिंग में क्या होती है, वोटिंग होती है। थर्ड रीडिंग में वोटिंग होती है कि कौन कौन सा मेंबर इस बिल के जो है फेवर में है और कौन कौन सा मेंबर इस बिल के अपोजिट में है। अगर वो नॉर्मल बिल हुआ तो वो सिंपल मेजॉरिटी के तहत पास हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई तो 2/3 मेजॉरिटी के तहत पास हो जाएगा, वोटिंग हो जाती है। अब वोटिंग हो गई, वोटिंग के क्या बात क्या होगा, मैंने आपसे शुरू में कहा था बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड आइदर इन वन हाउस। अगर बिल वो नेशनल असेंबली में इंट्रोड्यूस हुआ था तो वो सेंड किया जाएगा सीनेट ऑफ पाकिस्तान को, सीनेट ऑफ पाकिस्तान। फिर वो सीनेट ऑफ पाकिस्तान में उसका क्या प्रोसीजर है, सेम प्रोसीजर, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग वाला प्रोसीजर सीनेट ऑफ पाकिस्तान में भी होगा। अगर वो बिल इनिशिएट हुआ सीनेट ऑफ पाकिस्तान से, फिर वो कहाँ सेंड किया जाएगा, नेशनल असेंबली के पास। नेशनल असेंबली में क्या होगा, सेम प्रोसीजर, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग। अगर दोनों हाउसेस से वो बिल पास हो जाएगा तो फिर प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा प्रेसिडेंशियल असेंबली के लिए। अगर नहीं, अगर नेशनल असेंबली से वो बिल पास हो गया, सीनेट में अगर उन्होंने कहा कि नहीं ये चेंजिंग करें, फिर उस चेंज वो चेंजिंग अमेंडमेंट करने के लिए सीनेट ऑफ पाकिस्तान वो बिल नेशनल असेंबली में भेजेगी, नेशनल असेंबली वो चेंजिंग कर मेजॉरिटी से पास कर फिर सीनेट ऑफ पाकिस्तान में भेजेगी, ठीक है। फिर वो बिल अगर चेंजिंग होगी तो एक कंबाइंड सेशन होगा सीनेट ऑफ पाकिस्तान का और नेशनल असेंबली का, वो चेंजिंग कर जो है वो भेज देते हैं प्रेसिडेंट को, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं अगर वो लोग प्रेसिडेंट के पास भेजा गया तो प्रेसिडेंट कितने दिन में पास कर सकता है, प्रेसिडेंशियल असेंट। प्रेसिडेंशियल असेंट जो है वो विदिन टेन डेज उस बिल पर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को सिग्नेचर करनी है, अदर देन फाइनेंशियल बिल। फाइनेंशियल बिल तो एनी हाउ साइन करना ही करना है, ठीक है। अगर 10 डेज में नहीं करता प्रेसिडेंट साइन, या प्रेसिडेंट कहता है कि इसमें यह चेंजिंग की जाए, तो वापस वो बिल भेजा जाता है फिर सीनेट ऑफ पाकिस्तान और नेशनल असेंबली की कंबाइंड एक सेशन होता है, दोनों हाउसेस मिलकर फिर मेजॉरिटी से वो बिल पास करते हैं, सिंपल मेजॉरिटी से, फिर वो प्रेसिडेंट के पास चला जाता है। अगर नहीं, फिर भी प्रेसिडेंट नहीं करता सिग्नेचर, फिर जो है दोनों हाउसेस 2/3 मेजॉरिटी के साथ उस बिल को पास करेंगे। 2/3 मेजॉरिटी के साथ अगर वो बिल पास हो गया तो प्रेसिडेंट के पास कोई रेमेडी नहीं है उस पर साइन नहीं करने की, एनी हाउ प्रेसिडेंट बाउंड टू साइन दैट बिल, ए बिल इज साइंड विद 2/3 मेजॉरिटी, ठीक है। प्रेसिडेंट के असेंट के बाद, उस सिग्नेचर के बाद वो बिल जो है कन्वर्ट हो जाता है लॉ, एक्ट
और स्टैचू भी, फिर वो पब्लिश हो जाता है। यहाँ आज का हमारा जो टॉपिक था वो यहाँ तक था। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आई, हमारी ये वीडियो पसंद आई तो काइंडली सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।